हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 7। तो अभी मैं जा रही थी अपने हाथों में मेहंदी लगाने, नेल पेंट लगाने, तो थोड़ा सा मुझे अपने नेल्स भी सेट करने हैं। ये देखिए, तो नेल्स भी सेट करने, इनका कलर भी थोड़ा जो मैसी हुआ है उनको निकालना है। सेकेंड चीज़, और मुझे लगानी है मेहंदी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी मेहंदी और मैं जा रही हूँ लगाने के लिए, क्योंकि है कल। और हेयर देखिए, आज आप विश्वास करोगे, मैंने सुबह से कॉम नहीं किया, मतलब हेयर मैंने आज वॉश कर लिया यानी धुल लिया है। कल है मेरे देवर की तिलक, तो हमें निकलना है गांव के लिए, तो इसी वजह से सीरम लगाया था। और फिर इसी तरीके से मैंने जूड़ा बना लिया, काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है। तो ये मेरी मेहंदी है जो तुरंत रचती है, तो इसको मैं जा रही हूँ लगाने के लिए। कल है देवर देवर जी की तिलक, हमें जाना है गांव, काफ़ी लंबा सफ़र है। आवाज़ को क्या हुआ? तो बस वहीं के लिए निकलना है और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि यानी कि कल हमें गाँव निकलना है। और पैकिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है। क्लियर नहीं था तो मैंने पैकिंग 4 बजे से स्टार्ट की है, मतलब 4 क्या 5 बज गए थे, 4 बजे इन्होंने बताया। कुछ कंफर्म नहीं था कि हाँ मतलब कितने बजे जाना है या नहीं, तो फाइनली क्लियर हो गया है। और अब मैं जा रही मेहंदी लगाने। ऐसा भी नहीं है कि मुझे पहले से पता था और मैं मेहंदी पहले से मंगा कर रखी थी, नहीं। क्या हुआ, बाबू का कुछ खो गया था, वो जो बचपन का होता है नहीं, जो हम लोग ऐसे करके फुलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता है, तो उसी को मैं ढूंढ रही थी। तो ये मेरे बेड के नीचे पड़ी हुई थी, ये बहुत दिन की है, तो कभी की होगी मुझे नहीं याद है, तो वो मिल गई। तो मैंने कहा चलो अब ऐसे टाइम में मिल गई है, शुभ टाइम में, तो चलो अब लगा ही लेते हैं। तो बस इसको जा रही थी लगाने, तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। ठीक है गाइस, मेरी मेहंदी लग चुकी है और चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की लगी है, बाबू को भी मैंने लगाई है मेहंदी, तो उसी के चक्कर में ठीक से नहीं लग पाई। और अभी ये उंगलियों को भरना है, नेल पेंट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने लगाई है, बाबू को भी मैंने लगाई है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ी थोड़ी सी छूटी हुई है तो इसको लगाना है, कल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अच्छे से। देखा तो बाबू, दिखाओ पीछे, दिखाओ पीछे। ये देखिए बाबू ने भी लगाई है पीछे पीछे, हाँ ये देखिए। तो चलिए बस इसे सूखने देते हैं, फिर यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे करके लगाऊंगी ना तो सारी मेहंदी पोच जाएगी। तो बस लग चुकी है और कल मैं आप लोगों को पूरी अच्छे से दिखाऊंगी। तो चलिए कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे आप धीरे चलाओ। और अभी अभी हम निकले हैं शादी के लिए। आज पता नहीं क्या मेरे फ़ोन में हुआ है कि मॉर्निंग से मेरे फ़ोन में पता नहीं कि फ़ोन नहीं लग रहा है, ना जा रहा है ना आ रहा है। तो अभी देखती हूँ, स्विच ऑफ करके ऑन करूँगी एक बार। और हम शादी के लिए निकल चुके हैं सुबह के टाइम में, सारी चीज़ें कल ही हो चुकी थी पैकिंग, 4 बजे के बाद ही मैंने कर ली थी। और ये गए थे, सारा सामान रख दिए थे गाड़ी में बस, और जल्दी से मैं रेडी हुई, ये आए और हम चल दिए। और आज आप देखिए मैंने ग्रीन लाइनर लगाया, मैंने सोचा था ये मेकअप लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जल्दी जल्दी मैं रेडी हो तो कभी कोई चीज़ें नहीं हो पाती टाइम से, तो बस वही है। और मैंने ये वाली जैकेट पहनी हुई, जैकेट क्या कोट पहना हुआ अंदर में शॉर्ट है, क्योंकि कल से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है इसी वजह से। और बाबू देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा बाहर का व्यू, बाबू को देखिए, बाबू से हाय, से हाय, हाय, नहीं हाय। बाबू को सदमा लगा है, गांव जा रही, मैंने बोला बाबू गांव चलोगे, बोल रहे नहीं गांव नहीं गांव नहीं नहीं गांव नहीं जाना है। और नंदनी जी आप बोल रहे थे जीजू ब्लॉग में नहीं आते हैं, तो आज के ब्लॉग में जीजू को मैं ले आऊँगी किसी ना किसी तरीके से। अभी तो फिलहाल वो आगे हैं और हम पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे वोमिटिंग होती तो अभी मैं लेट जाऊँगी। तो लेटने से पहले मैंने कहा स्टार्टिंग में बैठी हूँ तो अपना ब्लॉग ही थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, जब ब्लॉग बना लेती हूँ, वरना फिर अगर वोमिटिंग आने लगेगी तो नहीं बन पाएगा। क्या हुआ, खड़ी होगी, गिर जाओगी खड़ी होगी तो। तो बस अब हम निकले हुए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। देखती हूँ अगर नेटवर्क आता है, फोन ठीक होता है, स्विच ऑफ करके ऑन करती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए लाइव आऊंगी अभी।
बंदे पकड़ लेगा। गाना बंद कर दो यार, वो क्या बंद कर दे? गाना बंद कर दो। गाना बंद तो है। अब क्या चल रहा है ये? कहाँ कुछ चल रहा है? अब बंद हुआ है ये। तो गाइस हम ये गांव आ चुके हैं, ये देखिए बंदर कहाँ गया, नहीं दिखा यार। देखना मोबाइल लेके भाग भी जाते हैं। और यहाँ ये देखिए बंदर बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत बंदर हैं। अभी तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत बंदर है। बच्चा बाबू कहाँ? तोता बाबू कहाँ? ये देखिए मैं दिखाती हूँ, मैं देखते रहिएगा। दिखा अभी आगे आ रहा है। तो यहाँ पे सुना है कि बहुत ही बंदर हैं और बहुत ही गर्मी लग रही थी रास्ते में, तो हम लोगों ने स्वेटर उतार दिए, बाबू का भी उतार दिए, और मुझे वोमिटिंग भी हो गई। पतली सी गली, मुझे चार वोमिटिंग हुई, बाबू को दो हुई, बाबू को भी आज हो गई। तो बस हम पहुंचने वाले हैं, दूर है अभी, बस आ गई, गांव में तो है, गांव में आ गए हैं। लेकिन जैसे मैं उठ रही हूँ मुझे उल्टी आ रही है, यानी वोमिटिंग आ रही है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा टेक लगा ली हूँ, टेक लगा के आप लोगों से बात कर रही हूँ। उतर रहे हैं, जूती पहन लो, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। सामान इसमें रखा है, रखा सामान, आप उतारना नहीं कुछ है? हाँ नाली वाली देख उतरना। तो गाइस बस हम यहाँ पर आ चुके हैं, और ये है वर्षा भाभी की लड़की जो जा रही है बाबू को लेकर, और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। रियल में मैं बस रिकॉर्डिंग ऑन करके चल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मतलब डायरेक्ट आकर रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने कहा एंट्री करने पे आपको देखिए क्या रिएक्ट मिलता है सबका, आप खुद ही देख लीजिए। और ये है मम्मी मेरी सासू माँ, तो मैं आई हूँ इनके पैर छूने, तो पैर मैंने छू लिया, और इसके बाद मैं सभी का पैर छू रही हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी इधर उधर हो जा रही, मैंने वहाँ की वॉच नहीं बन की। फिर मौसी थी, उनका पैर छूना था, तो मैंने सैंडल उतार दिए। ये देखिए मुझे ध्यान ही नहीं था कि मिट्टी है। और ये हैं सॉरी बुआ हैं ये, मतलब इनकी शादी है देवर जी, उनकी बुआ हैं ये। मैंने इनका पैर छुआ, यानी सबका छुआ, मौसी थी, बुआ थी, जिनका जिनके मम्मी ने बताया, मुझे उतना नहीं पता था बस। और यहाँ पर खाने वगैरह की बात हो रही थी, तो मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, मुझे चक्कर आ रहा था, वो मीटिंग आ रही थी। और ये है मेरी नंद, इनसे तो आप मिल ही चुकी हो, मैंने कई बार बताया है आपको। बस तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप वॉइस सुनते रहिए सबकी। तो मुझे नहीं पता चला था कि रिकॉर्ड कैसे कैसे हो रहा था, इधर उधर हुआ, मैंने काफ़ी कट किया है। और देवर जी को तो आपने देख लिया, ये हैं देवर जी खड़े हैं जो काम कर रहे हैं, इसी वजह से सब इस कंडीशन में है। तो यहाँ पे पूरियाँ छन रही, यानी कि कचौड़ी पूड़ी बन रही हैं, और मम्मी है खाना खाने के लिए बोल रही थी, तो यहाँ पे पूड़ी बन रही थी। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब पूड़ी बेली नहीं थी, और मतलब जो लोई होती काटने वाली, तो वो मैं लोई काटी थी, मम्मी बेली थी, वो भी बाद में, तो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। यहाँ पे मम्मी से थोड़ी सी बात हो रही थी, और आप इंजॉय कीजिए, फिर आप लोगों को मैं बताते चलूँगी कि कौन कौन है, क्या क्या है, ठीक है? अभी नहीं खाऊंगी मैं, जी मसाला है ना, जी मचला रहा है, उल्टी हो चलो, बाद में निकलूंगा पहले।
हेलो हुआ करैया कैया धोआबे का है हां ये ले को हां ये है मेरी देवरानी देवरानी को तो आप देख ही चुके हैं ये कमरे में मेरे छोटू मुट्टू सा बाबू क्यूट सा मैं बहुत दिन के बाद देख रही हूँ खूब सारा मैंने से प्यार दिया है खूब खिलाई हूँ मैं इसको और देखिए कितना गोलू मोलू सा है क्यूट सा बहुत ही प्यारा है अपने पापा पे गया है और जैसे मैंने बताया था कि जब ये हुआ थोड़ा सा कलर डल हो गया था क्योंकि देखिए बच्चों को लिटाया जाता है इस वजह से और देखिए अभी तो नहीं पहचान रहा है और जहाँ और यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं और ये है मेरी बड़ी मामा सबसे बड़ी मामा यानी कि मेरी मम्मी के भाई सबसे बड़े वाले रिंजी मुमजिन सभी लोग हैं सभी लोगों को अब देखिए वॉइस मैंने कट नहीं की ताकि आप साथ में इंजॉय कर सके तो बस इसके बाद मुझे बनाना दमालू छोला तो उसी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे थे हम यहाँ पे तो दमालू मेरी बन चुकी थी तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ और ये कटे हुए हैं प्याज अदरक उदरक बहुत सारी चीज़ें कटी हुई हैं छोले के लिए तो ये है दमालू दमालू मैंने बनाई फिर दी बोली थी मतलब पूनम दीदी थी उनकी इनकी शादी देवर जी की बहन तो उन्होंने बोला छोला मैं बना लेती हूँ तो बस ये सारी चीज़ें हंसी मजाक हो रहा था आप देखिए इंजॉय कीजिए ये है मौसी जिन्होंने साटा खाना है और ये है चाची मतलब हम यहाँ रहते हैं ये देखिए कैसे बोलती हैं इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं कट की मौसी बहुत मजा लगाती हैं और मेरी देवरानी खड़ी हुई हैं चल रहा है अंधेरा तो बहुत रहता है फोन की लाइटें थोड़ी सी बाबू और ये है जिनकी मतलब बहन जिनकी शादी है देवर जी मौसी की लड़की है ये और भाभी बैठी हुई है कई रिश्तेदार बैठे हैं बातें कर रहे हैं और मैं आपको नहीं करी उधर कर रही हूँ मैंने कहा कर ही लेती हूँ जो बोली तो मैं कर ही लेती हूँ कई कंघी कर रही हूँ दीदी मैंने कहा चलो तुम्हारी कंघी वाली भी आ जाएगी तो सामने बैठी हुई है भाभी इसी वजह से घूंघट कर ले रही हूँ और ये देखिए मन गई चाय जी जी और रियल आपकी दीदी क्यों नहीं आ रहे थे रियलिटी गई आपने सही गेस किया दीदी से बाल कम दीदी कट ले हो गए थे इस टाइम उन्होंने अपने हेयर सारे कट यानी कि क्या बोलते पूरे हेयर निकलवा दिए जहाँ तिलक चढ़ेगी वहाँ कोई नहीं जाएगा क्या और मैं बोल रही थी मुझे थोड़ी सी चाय दे दर्द हो रहा अच्छा इसी वजह से वहाँ पर ये चाय बना रहे हैं जो हमको एक कप दे देना तो गाइस इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और मुझे ब्लॉग का भी एंड करना था तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ और अब आज ही हम आए हुए हैं सारी चीज़ें हुई मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई और मैं वहाँ पे वॉइस मतलब कि वॉइस नहीं ओवर कर रही थी क्योंकि सबके सामने थोड़ा सा अजीब लगता है वॉइस ओवर करना और थोड़ा सा इस टाइम मैं फेस को क्लीन करके आई हूँ यानी कि अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है उससे पहले वो लोग आए तो उससे पहले ये लोग वो लोग मतलब अंदर आए बाहर आ चुके हैं तो अंदर आए तो इससे पहले हम कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं बाबू को भी मैं पहना देती हूँ और इतना ही ब्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ये आपका गांव का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो इसके बाद अब आपको गाँव का ही ब्लॉग देखने को मिलेगा जितना भी ब्लॉग्स आएगा गाँव का ही ब्लॉग आएगा तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और जो तिलक वाली वीडियो का जो तिलक वाली वीडियो होगी जो तिलक चढ़ेंगी तिलक की सारी रस्में होंगी वो कल के ब्लॉग में जाएंगी मैं सोच रही थी कि मैं इसे मैं ऐड कर दूं बट मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से दिखाना चाहती थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि दी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैंने कहा शॉर्ट में मैं शॉर्ट शॉर्ट करके सारी चीज़ें आपको अच्छे से ही दिखा पाऊँगी ताकि आप अच्छे से ही इंजॉय कीजिएगा बस लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ठीक है तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं फटाफट फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ ओके बाय बाय।